लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a pleasure it is to come and have fellowship with you today. आज आपके साथ में आकर संगति रखना ये सच में कितने सौभाग्य की बात है। It is so nice to know. ये सच में जानना बहुत ही अच्छी बात that है। All of you love the word of God. कि आप सभी परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। God's word is a lamp unto your feet. परमेश्वर का वचन आपके पैरों के लिए दीपक है। Continue to read the word of God and study the word of God. आप निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएं, इसका अध्ययन करते जाएं। It will help you overcome many difficulties. ये आपकी मदद करेगा कि आप बहुत से मुश्किलों के ऊपर में जय पाए। Today we are going to talk about trusting God. आज हम परमेश्वर पर भरोसा करने पर बात करेंगे। What is one of the most difficult issues that we have in our relationship with God? परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में एक सबसे मुश्किल या सबसे बेचीदा बात कौन सी होती है? Is it spending time with God? क्या ये परमेश्वर के साथ में समय बिताना है? Is it spending enough praying enough, having enough intercession? क्या ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना या काफी मध्यस्थी करना है? Yes, all of those things are difficult. हाँ, ये सारी बातें मुश्किल होती हैं। Trusting God is sometimes very difficult. लेकिन कई बार परमेश्वर पर भरोसा करना सबसे मुश्किल होता है। Having faith and trusting God will do for us as He says in His word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और उस पर भरोसा करना हमारे लिए वही करेगा जो उसने अपने वचन में कहा है। You know, we are a generation that knows how to follow a list of commands. देखिए, हम ऐसी पीढ़ी है जो जानते हैं कि किस तरह से जो आज्ञा की जो सूची है उसके अनुसार काम करते जाएं। When we go to the computer, जब हम कंप्यूटर के पास में जाते हैं, we press ESC and we escape from the present screen. हम ESC कर का जो बटन है उसको दबाते हैं और उस present screen के ऊपर जो कुछ भी आ रहा है उससे escape होते हैं. When we do CTRLC, we copy. हम जब CTRLC करते हैं तो हम उससे कॉपी करते हैं। And CTRLS and we save. और CTRLS मतलब हम सेव करते हैं। Now it is our action that makes things happen. अब देखिए, ये हमारी क्रिया है जिसके कारण ये सारे काम होते हैं। When we follow the norm, we get the result. और जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हमें उसका परिणाम मिलता है। But of course, when the computer hangs, we get desperate. लेकिन जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम परेशान होते हैं। That's a different issue. ये एक अलग मुद्दा होता है। But life is not like that. लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। Often we face circumstances that are beyond our control. कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। We cannot press the escape key and get out. हम यहाँ पर escape का बटन दबाकर बाहर नहीं निकल सकते। So what do we do? तो फिर हम क्या करते हैं? Where do we go for deliverance? हम छुटकारे के लिए कहाँ पर जाते हैं? Who do we call out to? हम किसे पुकारते हैं? If we call out to God, will He answer? अगर हम परमेश्वर को पुकारे तो क्या वो जवाब देगा? That is why it is so important to read and understand the word of God. और इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। You know, every young Jewish boy, आप जानते हैं, हर एक छोटा यहूदी लड़का was expected to learn the Torah. उससे अपेक्षा की जाती है कि वो तोरा को सीख ले। For the first five books in the Bible, जो कि बाइबल की पहली पांच किताबें हैं। He would learn it by heart. वो उसे पूरी तरह से मुखाग्र करता है। We also should try to memorize scripture. हमें भी वचनों को याद करना चाहिए। In a moment, the word of God will come to our mind. बस पल भर में ही परमेश्वर का वचन हमारे मन में आता है। The Bible says, बाइबल कहती है, that in a crucial situation, कि मुश्किल परिस्थिति में, God will bring His word. To our remembrance. परमेश्वर अपना वचन हमें याद दिलाता है।
I will tell you what you should say. मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या कहना चाहिए. So that we can do according to his instruction. कि हम उसके निर्देश के अनुसार कर सके. We can call out to him. हम उसे पुकार सकते हैं. And he answers us. और वो हमें जवाब देगा. And we trust that God is going to deliver us. और हम भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमें छुटकारा देगा. The psalmist says in Psalm 91. यहाँ पर भजनकार कहता है. He says, "In you, O Lord, do I put my trust." वो कहता है कि हे प्रभु, तुझ में ही मैं अपना भरोसा रखता हूँ. David had a very difficult life. दाऊद का बहुत ही मुश्किल जीवन था. But he trusted God. लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा किया. Man says, "Show me God." मनुष्य कहता है कि तुम मुझे परमेश्वर दिखाओ. And I will trust you. और मैं उस पर भरोसा रखूंगा. God says, परमेश्वर कहता है, trust me. मुझ पर भरोसा करो. And I will show you. तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा. Now let's look at Genesis chapter 15. आइए उत्पत्ति अध्याय 15 में से यहाँ पर हम देखते हैं. Let's look at Abraham. आइए अब्राहम को देखते हैं. Now you know that Abraham is the father of our faith. आप जानते हैं अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है. He was the first patriarch. वो तो सबसे पहला ऐसा पूर्वज है कहिए. He trusted God. उसने परमेश्वर पर भरोसा किया. Now when we look at Genesis chapter 15, जब हम उत्पत्ति अध्याय 15 को देखते हैं, verse 6, वचन 6 में, and 7, और वचन 6 और 7 में देखते हैं, it says, ये कहता है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना. तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं. Yes, the Lord tells him. परमेश्वर उससे कहता है, I am the Lord who brought you out the Ur of the Chaldeans. मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो कसदियों के ऊर नगर से तुझे बाहर लाया हूँ. You know Abraham's life story. आप अब्राहम के जीवन की कहानी जानते हैं. Abraham heard God's voice. अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी. And he left his father's household. और वो अपने पिता के घराने को छोड़कर निकल पड़ा. He packed his bags. उसने अपना सारा बैग पैक किया. And he took his wife Sarah. और उसने अपनी पत्नी सारा को लिया. And his cousin Lot. और अपने भतीजे लूत को साथ में लिया. And his family. और अपने परिवार और लूत के परिवार को लिया. And all their possessions. और उनकी सारी चीजों को लिया. And he started out on a journey. और वो वहां से एक यात्रा शुरू करता है. With God going before him. यहां पर परमेश्वर उसके आगे आगे चलता है. Did Abraham know where he was going? क्या अब्राहम जानता था कि वो कहां जा रहा है? He had no clue. उसके पास में कोई भी जानकारी नहीं थी. He trusted God. उसने प्रभु पर भरोसा किया. And he found favor with him. और उसके ओर से कृपा पाई. To Abraham was given the promise. अब्राहम से प्रतिज्ञा की गई थी. That all the nations will be blessed through him. कि उसके द्वारा सारे देश आशीष पाएंगे. It's a proclamation. ये तो एक घोषणा थी. That one day. कि एक दिन. Through Israel, the whole world will be saved. इज़राइल के द्वारा पूरा जो संसार है वो उद्धार पाएगा. What a wonderful promise because of the obedience of one man. एक मनुष्य की आज्ञाकारिता के कारण ये कितनी अच्छी प्रतिज्ञा की गई. A promise that entitled the whole world to find salvation in Jesus. और यहाँ तक ये प्रतिज्ञा थी कि पूरा संसार यीशु मसीह में उद्धार पाएगा. Are we willing to trust God today? क्या आज हम परमेश्वर भरोसा करने को तैयार हैं? Or do we go before him and ask him the same question again and again? या फिर हम उसके सामने जाकर यही सवाल बार-बार पूछते हैं? I have done that. मैंने ये किया है. Whenever there is a problem. जब भी कोई समस्या होती थी. I keep asking God the same thing. मैं परमेश्वर से वही बात बार-बार पूछती थी. I'm not willing to listen to God's voice. मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं थी. What is God telling me regarding the problem? परमेश्वर समस्या के बारे में मुझसे क्या कहता है? Is he telling me I have solved your problem? क्या वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारी समस्या को हल कर दिया है? Am I willing to trust him? और मैं तुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ. Like Abraham, let us commit our ways to the Lord. और आइए अब्राहम के जैसे हम अपने मार्गों को परमेश्वर को And trust also in him. और उसी पर भरोसा करे. And he will direct our paths. और वो हमारे मार्गों का मार्गदर्शन करेगा. This is what the word of God says. परमेश्वर का वचन यही तो कहता है. Now God stood by Abraham. अब परमेश्वर अब्राहम के साथ में खड़ा था. And Abraham walked with God. और अब्राहम परमेश्वर के साथ में चला. One night the Lord spoke to Abraham in a vision. एक रात के समय परमेश्वर ने अब्राहम से दर्शन में बातें की. And he told him, Abraham. और उसने उससे कहा कि अब्राहम.
Don't be afraid. तू डर मत. I am your shield. मैं तेरी ढाल हूँ. And your very great reward. और मैं तेरा बहुत बड़ा ऐसा प्रतिफल हूँ. Which means I am protecting you. मतलब मैं तेरी सुरक्षा कर रहा हूँ. And I am your compensation. और जो कुछ भी तूने खोया उसे मैं तुझे लौटाऊंगा. Yes, I brought you out of Iraq. हाँ, मैंने तुझे इस जगह से बाहर निकाला है. And I brought you to the strange land. और मैं तुझे इस अजीब से या अजनबी देश में लेकर आया हूँ. But you are not going to lack in anything. लेकिन तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी. I am your very great reward. मैं तेरा महान प्रतिफल हूँ. But then you know Abraham said. और फिर उसके बाद में अब्राहम ने कहा. Lord, what can you give me since I am childless? हे प्रभु, मुझे तो कोई संतान नहीं है, तू मुझे क्या दे सकता है? So God took him outside his tent. तो परमेश्वर उसे उसके तंबू से बाहर लेकर And जाता he said, है. Look up at the sky. और वो कहता है कि ऊपर आसमान में देख. Count the stars. और तारों को गिन. If indeed you can count them. अगर तू सच में से गिन सकता है तो. And then he said to him. और फिर उसने उससे कहा. So shall your offspring be. तेरा वंश ऐसा ही होगा. Can you count those stars? क्या आप इन तारों को गिन सकते हैं? They are uncountable. ये तो गिनती से बाहर हैं. But those are the number of offspring that you will have. लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा वंश जो है वो ऐसा ही होगा. So when we look at Abraham's life, तो जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, we see three aspects. हम यहाँ पर तीन दृष्टिकोणों को देखते हैं. Of his relationship with God. परमेश्वर के साथ के उसके संबंध में. Three areas that bear his characteristics because he trusted in God. ये तीन क्षेत्र जहाँ पर उसका चरित्र में दिखाई देता है क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था. Firstly, सबसे पहले, faith in action. ये तो सक्रिय ऐसा विश्वास था. Now, when Abraham heard God speaking to him, जब अब्राहम ने परमेश्वर की बातें सुनी, उसकी आवाज सुनी, where was he? वो कहाँ पर था? Was he in the middle of Israel? क्या वो वहाँ पर इसराइल के बीच में था? Was he in a complete knowledge and complete relationship with the living God? क्या वो जीवित परमेश्वर के साथ में पूरे ज्ञान में और पूरे संबंध में बना हुआ था? Not at all. बिल्कुल नहीं. He was in Mesopotamia. वो तो मेसोपोटामिया में था. It's in the territory we now call Iraq. ये तो ऐसा प्रांत है जिसे आज हम इराक कहते हैं. The people there worshipped many deities. वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत से ईश्वरों की उपासना करती हैं. And the chief deity was Nana. और उसमें जो मुख्य जो देवता था वो तो माना था. That was the moon god. वो तो चांद का ईश्वर था. So when God called Abraham, वो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, in Genesis chapter 12 verse 1, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 में, he told Abraham to leave his country. उसने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश को छोड़कर निकल जा. His kindred, अपने रिश्तेदारों को छोड़ and दे. His father's house, और अपने पिता के घराने को छोड़ दे. Everything that was familiar to him, जो कुछ भी वो जानता था, Abraham had to leave. उसे अब्राहम को छोड़ना था. And it was at the command of a God he hardly knew. और ये तो सच में ऐसे परमेश्वर की आज्ञा थी जिसे वो अच्छे से नहीं जानता था. Do you not find this amazing? क्या आप इसे अद्भुत नहीं देखते हैं? But you know, Abraham, though he did not know Yahweh completely, देखिए अब्राहम जो कि यहोवा परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जानता था, it is possible that his father had spoken of Yahweh to him. तो भी ये संभव है कि उसके पिता ने उसे यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया होगा. We know that his father Terah. हम जानते हैं कि उसके पिता तेरह ने. He was a descendant of Adam. हम जानते हैं कि तेरह जो है वो तो आदम के वंश से आया था. Now you know that as generations passed. आप जानते हैं जैसे कि पीढ़ी बीतती चली गई. He would have received instructions about God. उसने वहाँ पर अब्राहम ने जो है परमेश्वर के बारे में निर्देश पाए होंगे. And yet, as a worshipper of other gods. और हालांकि वो दूसरे देवताओं की उपासना करता था. Abraham must have been surprised to receive a direct revelation from Yahweh. अब्राहम जो है सीधा याहवे की ओर से प्रकाशन पाकर शायद पूरी तरह से चौंक गया होगा. We need to understand. हमें इस बात को समझना होगा. That the moon god and the other deities. कि जो चांद देवता और दूसरे जो ईश्वर हैं. We're all distant objects of worship. वो तो आराधना के लिए बहुत ही अलग अलग ऐसी चीजें थी. All those gods, वो सारे ईश्वर, they did not personally interact with man. वो तो मनुष्य के साथ में व्यक्तिगत रूप में हस्तक्षेप नहीं करते. But Yahweh, लेकिन यहोवा, his main
ideology was to have fellowship with man. उसकी मुख्य विचारधारा यही है कि वो मनुष्य के साथ में संगति कर सके. And that is why we have Jesus. और इसलिए हमारे पास में यीशु है. So Abraham obeyed God's call. तो अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी. And he arrived in the land of Canaan. और वो कनान देश में पहुंचता है. We have to understand what a great step Abraham had taken. हमें ये समझना होगा कि अब्राहम ने कितने महान कदम को उठाया. He built an altar to Yahweh at Shechem. और उसने शिकेम में यहोवा परमेश्वर के लिए वेदी बनाई. And this tells us that Abraham, it was a deciding factor in his mind that he had chosen to worship God. देखिए ये हमें बताता है कि अब्राहम ने अपने मन में इस बात का निश्चय ले लिया था कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानेगा, परमेश्वर का चुनाव करेगा. And we know that Abraham's departure from Ur. और हम ये देखते हैं कि अब्राहम जो है ऊर से वहां से निकल पड़ा. इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ इन एक्शन. ये तो निश्चित सक्रिय विश्वास का उदाहरण था. सेकेंडली, दूसरी बात, फेथ दैट लेड हिम टू बी स्टेडफास्ट. विश्वास जो कि उसे वहां पर दृढ़ होने के लिए आगे लेकर चलता है. व्हेन गॉड टोल्ड अब्राहम, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आई एम योर शील्ड एंड योर अबंडेंट कॉम्पेंसेशन, मैं ही तेरी ढाल हूँ और मैं ही तुझे सब कुछ देने वाला हूँ. ही हैज सेड, उसने कहा, in other words, दूसरे शब्दों में, that you have believed in me, कि तूने मुझ पर विश्वास किया है, and that belief itself will be your great reward. और ये जो विश्वास है, यही अपने आप में तेरे लिए महान प्रतिफल होगा. Abraham must have had a major question in his mind. अब्राहम के मन में यहाँ पर बड़ा सवाल आया होगा. How could God bless him with an inheritance? कि कैसे परमेश्वर उसे कैसी विरासत दे सकता है? When he had no one to inherit it. जबकि उसकी विरासत को पाने वाला उसका कोई वारिस ही नहीं है. We can almost sense that pain that Abraham felt for being childless. और अब्राहम वहाँ पर निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी. इसके दर्द को हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं. I want to tell you. मैं आपको बताना That as a gynecologist, एक गायनोकोलॉजिस्ट होने के नाते, I can fully understand why couples are so heartbroken. मैं इस बात को पूरी तरह से समझ सकती हूँ कि क्यों दंपतियों का दिल टूट जाता है. When they do not have children, जब उनकी कोई संतान नहीं होती है, they would try for many years. और वो कई साल तक कोशिश करते हैं. They will do anything. वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं. To have a child. कि उन्हें संतान हो. And in the end. और फिर अंत में, If they do not have a child, अगर उनकी कोई संतान नहीं होती, they would be so heartbroken. तो उनका दिल इतना टूट जाता है. Very often, अक्सर ऐसा होता है, they go into depression. वो निराशा में चले जाते they lose any longing to live. वो तो जीने की इच्छा भी खो बैठते हैं. And Abraham had been married for many years. और अब्राहम के विवाह को कई साल बीत चुके थे. He was a rich man. वो तो धनी व्यक्ति था. But what was the point? लेकिन मुद्दा क्या था? He was almost thinking that I have to leave all my possessions to the caretaker. और वो तो यही सोच रहा था कि मुझे अपनी सारी संपत्ति मेरी देखभाल करने वाले व्यक्ति को, मेरे जो दास है, उसको देनी होगी. But when God took him out, लेकिन जब परमेश्वर उसे बाहर लेकर जाता है, out of the tent, और वहाँ पर तंबू से बाहर ले जाता है, and directed his attention, और उसके ध्यान को वहाँ पर लेकर जाता है, to a sky which was lit with a million stars, ऐसे आसमान पर जहाँ पर हजारों तारे होते हैं, उसका ध्यान ले जाता है. Abraham trusted God. अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया. And he remained steadfast unto God. वो परमेश्वर के साथ में ईमानदार बना रहा. Romans 4:3 says. रोमियो 4:3 कहता है. For what does the scripture say? वचन क्या कहता है? Abraham trusted in God. अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया. And it was credited to him as righteousness. और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया. Right living. ये तो सही तरीके से जीना. And right standing with God. और परमेश्वर के साथ में सही तरीके से रहना है. Thirdly. तीसरी बात. Faith that led Abraham to be faithful in worship. विश्वास ही था जिसके कारण अब्राहम आराधना में ईमानदार बना रहा. As Abraham walked with God, जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ में चलता था, he learned to trust him. उसने उस पर भरोसा करना सीखा. Very often there was no physical evidence of things to come. अक्सर ऐसा होता था कि आने वाली बातों के बारे में कोई भी शारीरिक सबूत या नहीं होता था. That is the definition of faith, isn't it? और यही तो विश्वास की परिभाषा है. But he had decided if God said he would do it. और उसने ये निर्णय लिया था कि अगर परमेश्वर ने इसे कहा है तो इसे जरूर करेगा. Yes, he would definitely do it.
वो निश्चय ही इसे करेगा। His trust led him to worship God. उसके भरोसे के कारण वो परमेश्वर की आराधना करता था। No matter how much God blessed him materially. चाहे भौतिक रूप में परमेश्वर ने उसे कितनी भी आशीष क्यों न दी हो। Abraham did not turn to love the things of the world. अब्राहम इस संसार की बातों से प्रेम नहीं करता था। Instead, he would look steadfast to God. और इसके बजाय वो तो निरंतर परमेश्वर की ओर देखता था। Who he worshipped with all of his heart. जिसकी वो अपने पूरे दिल से आराधना करता था। Remember Solomon. याद रखिए सुलेमान को। Solomon had all the riches of the world. सुलेमान के पास संसार की पूरी धन संपत्ति थी। He was lavish in spending. वो तो बड़ी उदारता से या कहिए बड़ी बहुत ज्यादा उसे खर्च करता था। He was mean to his workers. वो अपने काम करने वालों के लिए कठोर था। Even though the Lord gave him the wisdom of all the ages. और परमेश्वर ने उसे इतनी ज्यादा बुद्धि दी थी इसके बावजूद। He married foreign women. उसने बहुत सी स्त्रियों से विवाह किया। And through them committed grievous crime. और उनके द्वारा उसने बहुत ही भयानक पाप। He did not keep his eyes fixed on the Lord. उसने अपनी आंखें परमेश्वर पर नहीं लगाई। But Abraham did that. लेकिन अब्राहम ने ऐसा किया। God blessed Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। Materially. भौतिक आशीष। He had many people working under him. बहुत से लोग उसके लिए काम किया करते थे। And he had a great livestock. और उसके पास में बहुत सी भेड़ बकरियां थी। And the people called him a prince. और लोग उसे राजकुमार कहते थे। But Abraham never left sight of God. लेकिन अब्राहम ने कभी परमेश्वर से अपनी दृष्टि नहीं फेरी। At every landmark in his life. उसके जीवन के हर एक मंजिल पर। He would build an altar. वो वहां पर एक वेदी बनाता। To God. परमेश्वर के लिए। Praising him for his goodness. उसकी भलाई के लिए उसकी स्तुति करता। Romans 1:18-20 talks about just that. रोमियो अध्याय 18 से 20 इसी के बारे में कहता है। It says we cannot replace what God has given us and worship that. But we have to worship God who created us. ये कहता है कि हम परमेश्वर की जगह किसी और चीज की उपासना नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमें दी है उसको हम परमेश्वर की जगह पर नहीं रख सकते। Do not worship the material God has given you. परमेश्वर ने जो साधन आपको दी है जो चीजें आपको दी है आप उसकी आराधना न करें। Worship God who is the giver. परमेश्वर जो आपको देने वाला है उसकी आराधना करें। God saved Abraham out of idolatry. परमेश्वर ने अब्राहम को मूर्ति पूजा से बाहर निकाला। He changed his name. उसने उसके नाम को बदल दिया। He called him to follow him. उसने उसे अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। As a result of God's blessings to Abraham. अब्राहम के लिए परमेश्वर की आशीष के परिणाम में। The whole world is blessed. पूरा संसार ने आशीष पाई। Shall we not come to the Lord this day? तो फिर क्या हमें आज परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहिए? Shall we not tell him, Lord? क्या हम उसे ये न कहें कि प्रभु? I want to have that faith that Abraham had. अब्राहम के पास जो विश्वास है वो विश्वास मैं पाना चाहता हूँ। I want to have that faith which would help me to move and be shown in my action. मैं तो वो विश्वास पाना चाहता हूँ कि मैं उस विश्वास को अपनी क्रिया में दिखा सकूँ। Daniel has said. हालांकि दानियल ने कहा। Those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। They are bold. वो साहसी होते and हैं they take action. और वो क्रिया करते हैं वो कुछ करते हैं। Secondly, we see दूसरी बात जो हम देखते that हैं we want to be people who have a faith which will help us to be steadfast. कि हम ऐसे लोग होना चाहते हैं जो अपना विश्वास रखे जिसके कारण हम मजबूत बने रहे स्थिर बने रहे। We don't want to be like what James has said. याकूब ने जैसे कहा हम वैसे नहीं होना चाहते। We don't want to vacillate, move this way and that way. हम यहाँ पर डगमगाना नहीं चाहते कि कभी इधर जाए तो कभी उधर जाए। We don't want to be like the waves of the sea, one time up and the other time down. हम समुन्द्र की लहरों के जैसे नहीं होना चाहते जो एक समय ऊपर होती है तो अगली बार नीचे होती है। We want to be steadfast. हमें स्थिर होना है। And finally, और फिर अंत में faith, we wanna have that faith which helps us to be faithful in worshiping God. हम वो विश्वास पाना चाहते हैं जो परमेश्वर के साथ में ईमानदार रहने में हमारी मदद करता है। We worship God because we trust him. हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। Because he is indeed the God of all creation. क्योंकि वही तो सच में सारी सृष्टि का परमेश्वर है सृष्टि करता है। He is indeed the God who can save us. वही तो ऐसा परमेश्वर है जो सच में हमें बचा सकता है। He is indeed
द वन हु इज हाई एंड लिफ्टेड अप. वही तो वो सच में ऐसा परमेश्वर है जो बहुत ही ऊंचा है, ऊंचे पर विराजमान है. He is so much bigger than me. वो तो मुझसे इतना ज्यादा बड़ा है. That I bow down and worship him. कि मैं उसके सामने झुक जाती हूँ, उसकी आराधना करती हूँ. Shall we look to the Lord today? आइए हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना में चलें. Father, we want to thank you so much. पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ. That you are high and lifted up. कि आप सबसे ऊंचे पर विराजमान हैं. You are the God who created us. आप ही ने हमें बनाया है प्रभु. In you everything is possible. और आप में सब कुछ संभव है प्रभु. There is nothing which you cannot do. ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते. Today we reach out to people who are doubting, Lord. आज हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो संदेह करते हैं. They are in so much pain. ये तो इतने दर्द में है प्रभु. They are in so much debt. इतने ज्यादा कर्जे में हैं. They are in so much of heartache. और ये तो सच में बड़े दिल के दर्द में है. Their families are broken. इनका परिवार टूटा हुआ है. They are asking, can God help us? और वो तो यही कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या तू हमारी मदद कर सकता But है? Father, you have said, as I was with Abraham, so I will be with you. लेकिन पिता आपने कहा है, जैसे मैं अब्राहम के साथ था, वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा. You are saying, I will take you out of the tent and show you the sky. प्रभु आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तंबू से बाहर लाऊंगा और तुम्हें आसमान दिखाऊंगा. All of these are the children that you will have. और तुम्हारी संतान इतनी होगी. Are you childless today? क्या आज आप बिना संतान के हैं? With God, everything is possible. परमेश्वर के साथ में सब कुछ संभव है. Come to him. उसके पास में आइए. Be faithful in worship. आप आराधना में विश्वास योग्य रहें. Kneel down before him. आप उसके सामने घुटनों पर आ जाएं. Give all your worship to him. अपनी सारी आराधना उसे दे दें. Trust him. उस पर भरोसा करें. God can help you. परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है. Amen and amen. Amen और amen.